छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर आंदोलन करने वाले छात्र संगठनों को प्रदेश सरकार ने जोर का झटका दिया है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने साफ कर दिया है कि अगले दो साल तक छात्र संघ चुनाव कराने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि छात्रों के विरोध के बावजूद प्रदेश सरकार रूसा प्रणाली पर पीछे नहीं हटेगी। ना रूसा खत्म होगा, ना अगले दो सालों में स्टूडेंट इलेक्शन होंगे। अनुशासन को बढ़ाना बहुत जरूरी है। HPU में NSUI के 45वें स्थापना दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि चुनाव के नाम पर गुंडागर्दी होती है, जिससे देश भर में प्रदेश की छवि खराब होती है। इलेक्शन के नाम पर जो गुंडागर्दी होती है, खासकर कुछ संस्थाओं के द्वारा, उसके सारा यूनिवर्सिटी का माहौल बिगड़ गया है। ये यूनिवर्सिटी जो है सारे हिंदुस्तान में बदनाम हो गई है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर अनुशासन रहे। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि उनकी सरकार के कार्यकाल में ही किसानों और बागवानों का शोषण हुआ था। शिमला से विकास शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। शरणजीत मलकीर, सुनीता चरण दास, नैया कुमार, मेरा नाम हसीन बाना, संजय थिंदो, भूपिंदर सिंह थिंद, दिलीप सिंह राणा। कौन है ये लोग, जानने के लिए लाइक कीजिए पंजाब केसरी स्टूडियोज का फेसबुक पेज। देखें दुनिया अलग नजरिए से।